पहली मुलाकात इनसे एक फैमिली फंक्शन में हुई थी। उसके बाद फिर हम जब सोशल मीडिया में कनेक्ट हुए और हमारी जब बातें चालू हुई, बातें हमारी कंटिन्यू हुई एक दो साल तक हुई, दो साल तक हुई। लाइफ में मेरे बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, जिसमें इनका जो मेंटली सपोर्ट था वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव रहा। लाइक मेरे फादर के जाने के बाद जब मेरी लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए, तब ये इनका जो मेंटली सपोर्ट था वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद जब लाइफ दिल से वहाँ मेरे दूर न जाना के तू ही जमाना मेरा दुनिया ठिकाना मेरा तू सुबह हर शाम मैंने जिंदगी तेरे जैसे ही हम रिलेशनशिप के दौरान जब ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसमें ये जब फ्रेंड जैसा बिहेवियर मेरे साथ कंटिन्यू किया, मैं आगे भी चाहूँगा, एक्सपेक्ट करूँगा ये चीज़ कि ये वाइफ में भी मेरे साथ ऐसा ही फ्रेंडली नेचर रखे। एक्सपेक्ट नहीं, ऑलरेडी मैं वैसी ही हूँ, जैसी थी वैसी रहूँगी। मुझे भी ऐसा लगा, जैसे मैं जब इनसे मिली तो मुझे लगा, मैं भी बस देखी तो काफ़ी सपोर्टिव थे, सारी चीज़ें मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। सरगम सरगम तेरी आंखें पास बुलाए दूर से हाय मरहम मरहम मेरे दिल पे इश्क सजाए पास बुलाए तेरे दिल में भी धड़क रही है धड़कने मेरे नाम की मैंने ठिकाना मेरा तू सुबह हर शाम।